प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन कक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने चैप्टर 13 अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन पाठ लेकर के आया हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कल के पाठ में से रह गया था, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो कल मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था उसमें थोड़ा सा रह गया था। नंबर एक रह गया था कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या नाम था जो रह गया था कल, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसी क्रम में नंबर दो पर है कि खेजड़ी कुठार का कल्प वृक्ष माना जाता है। खेजड़ी को बार बार कल्प वृक्ष माना जाता है। दो पॉइंट हो गए हैं। इसी कड़ी में तीसरी बार सन 1883 पुस्तक में आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। 1883 के स्थान पर 1883 में खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। और चौथा खेजड़ी का मैदान वनों की सुरक्षा के लिए कागज बना। खेजड़ी गांव का बलिदान वृक्षों के लिए एक आदर्श बनकर क्या करता रहता है। खेजड़ी गांव की जो घटना है खेजड़ी का वृक्ष आज भी उसी बंजा नदी आदि करते हैं। 363 लोगों के बलिदान की याद दिला। इसके साथ ये पाठ समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बता दूं खेड़े का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। जो 14वें पाठ में बहुत सारे नाम आएंगे वैज्ञानिक नाम, तब मैं आपको एक बार और अवगत करूंगा। खेड़े को थार का कल्प वृक्ष माना जाता है क्योंकि थार के रेगिस्तान में खेड़े वृक्ष होता है। पाए जाते हैं सन 1883 में खेड़े को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था।
और इसके प्रति कड़े कानून बनाए गए थे। काटने पर अपराध माना जाता है और कानून दंड का प्रावधान है। खेड़ गांव का मैदान बच्चों के लिए आदर्श बनकर के 363 लोगों के बलिदान की आज भी याद दिलाता है। जैसे ही खेड़ का वृक्ष याद आता है ये बातें हमारे सामने आ जाती हैं। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड, वन्य जीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाने वाला, सारी बातें हमें इसके द्वारा प्राप्त या पता चल जाती है। वनों के काटने से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न बता दूं। जैसे खेजड़ी के बलिदान किससे संबंधित था, तो इसमें आपका अमृता देवी आ जाएगा। भूजल संकट के क्या कारण होते हैं, तो भूजल संकट के यानी जल स्रोतों का प्रदूषित होना, भूजल का अत्यधिक मात्रा में दोहन कर लेना, जल की मांग ज़्यादा होना, जनसंख्या की वृद्धि हो जाना, ये सभी कारण किसके हैं हमारे सामने भूजल संकट के कारण माने जाते हैं। प्रश्नों में और आ रहा है आपके सामने लाल आंकड़ों की पुस्तक किससे संबंधित है, तो लाल आंकड़ों की पुस्तक से तात्पर्य आप समझ जाएंगे कि ये उन प्राणियों के बारे में जानकारी रखती है जो संकटग्रस्त वन्य जीव हैं, दुर्लभ वन्य जीव हैं, विलुप्त जातियाँ हैं, इनके बारे में अपना समस्त विवरण रखने वाली पुस्तक को हम रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा कौन से कोयले में पाई जाती है, जो सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट कोयला होता है। संकटापन जाति से क्या तात्पर्य है, इस बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूँ। परिभाषा संकटापन जाति जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है लिखवा दिया है मैंने आपको। सिंचाई की विभिन्न विधियों के नाम बता दिया, ड्रॉप सिस्टम और दोबारा स्प्रिंकलर सिस्टम आदि, उड़न गिनरी, सीता माता प्रतापगढ़ मैंने लिखवा रखा है आपको। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हैं जो मैंने आपको लिखा रखा है, और इसी के साथ कोयले के प्रकार लिखवा रखा है। सामाजिक वानिकी क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने लिखवा दिया। सतत पोषणीय विकास क्या है ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। वन जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है ये बता दिया है मैंने आपको। जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बता चुका हूँ। वन संरक्षण के उपायों पर मैंने आपको बता दिया है, और इसी के साथ वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण स्पष्ट कर दिए हैं। राजस्थान के पारंपरिक जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा चलाए जाने वाले के बारे में बता चुका हूँ मैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में मैं आपको यहाँ तक की बात बता चुका हूँ। अब आपका आज पाठ शुरू होता है वेस्टेज एंड इट्स मैनेजमेंट, अर्थात अपशिष्ट एवं उनका प्रबंधन। नया पाठ है, चैप्टर 13 शुरू हो रहा है, 3 नंबर का पाठ है। इस पाठ में मैं आपको अपशिष्ट की परिभाषा लिखवाऊंगा, अपशिष्ट के प्रकार लिखवाऊंगा, अपशिष्ट के स्रोत। नया चैप्टर चल रहा है आपका, तो नए चैप्टर के अंदर क्या क्या है देखो। पहली बार आज का जो पाठ है, पाठ का नाम है अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन। प्रकार
अपशिष्ट के प्रकार पढ़ा दिए, अपशिष्ट के प्रकार साथ अपशिष्ट के स्रोत पढ़ा हुआ, अपशिष्ट के स्रोत के बाद मैं आपको अपशिष्ट से होने वाले नुकसान पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक मैं आपके लिए करके चलूंगा इस पार्ट में, और मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टेज एंड इट्स मैनेजमेंट क्या है, अपशिष्ट और उनके प्रबंधन के बारे में मैं इस पार्ट में आपको अवगत कराना चाहूंगा। देखिए, मैंने वेस्टेज के तात्पर्य ये होता है कि हमारे काम में आने के पश्चात जो चीज़ें शेष रूप से बच जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। और ये अपशिष्ट क्या करते हैं, ये अपशिष्ट प्रदूषण फैलाते हैं। क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। एक तो होता है प्रदूषक और एक होता है प्रदूषण, इन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको किसी भी प्रक्रिया के फलस्वरूप, कोई भी कार्य किसी भी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऐसे पदार्थ जो उप उत्पादन, जिनको हम अनुपयोगी मान लेते हैं, ऐसे उप उत्पाद होते हैं जिन्हें हम क्या मान लें, अनुपयोगी मान लें और त्याग दें, क्या कहलाएंगे वो, अपशिष्ट कहलाते हैं। 21वीं सदी चल रही है वर्तमान में, और 21वीं सदी में हम आज अपनी वैज्ञानिक और औद्योगिक जो प्रगति है, जो विकास है, उससे अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा हम अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु इसके द्वारा जहां एक और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ है, पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रदूषण भी हुआ है। पर्यावरण की समस्या का जन्म भी इसी कारण से है जिससे आज संपूर्ण संसार चिंतित है। पर्यावरण आकर्षण के अनेक आयामों में से अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि और उनका पर्यावरण तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है, इसमें औद्योगिकरण आता है, नगरीकरण आता है, जनसंख्या की वृद्धि आती है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना आता है, इसके निस्तारण की उचित व्यवस्था न होना आता है, इसके कारण से गुणवत्ता स्तर में लगातार कमी आना आता है। अतः इसका हमें समुचित विश्लेषण और निदान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा लिखेंगे, फिर हम अपशिष्ट की परिभाषा पर आ जाएंगे। यहां से लिखना शुरू करेंगे, वर्तमान किसी सदी का समय, वर्तमान समय किसी सदी का समय है जिसमें हम सब क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास से गौरवान्वित है। हम अपने आप को गौरवशाली समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं ऊपर प्राप्त हुई है। इसी
विकास द्वारा हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास से गौरवान्वित है, तो इससे ही हमको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। लेकिन इसी के साथ एक पर्यावरण की समस्या का जन्म भी होता है। इसी के साथ पर्यावरण समस्या का जन्म हो गया है, जो संपूर्ण संसार की चिंता का विषय है। जो संपूर्ण संसार के लिए इसका विषय है, चिंता का विषय। कारण क्या हो रहा है? पर्यावरण के अपकर्षण में अवशिष्ट पदार्थों में वृद्धि होती जा रही है, उनका पर्यावरण के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव आता जा रहा है, औद्योगिकरण आ रहा है, नगरीकरण आ रहा है और जनसंख्या वृद्धि, अवशिष्ट पदार्थों का सही निस्तारण नहीं होना, ये सारी चीजें इसके लिए सबसे पहली परिभाषा आपकी अपशिष्ट की है। एक बार मैं इन पॉइंटों को रिपीट करना चाहूंगा आपके, देखो कि वर्तमान समय कौन सा है, 21वीं सदी का समय, क्योंकि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का युग है। हमारा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से विकास हो चुका है और इस बात को मान करके हम गौरवान महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउडली मानते हैं। इसी विकास के द्वारा हमें क्यों सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही। इसी के साथ सुविधाओं के साथ साथ क्या होता है, पर्यावरण की समस्या का जन्म होगा, जो संपूर्ण संसार के लिए, हमारे लिए अकेले के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए चिंता का विषय होता है। इसके लिए औद्योगिकरण को जिम्मेदार मानते हैं, नगरीकरण को मानते हैं, जनसंख्या की वृद्धि को, अपशिष्ट मात्रा की वृद्धि की मात्रा वृद्धि द्वारा उनका उचित निस्तारण नहीं होना मानते हैं। इसलिए हमें इस समस्या का उचित विश्लेषण की जरूरत है और फिर उसका निदान होने की आवश्यकता है।
यहाँ तक की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब वेस्ट अपशिष्ट क्या है इसके बारे में परिभाषा, कि किसी भी प्रकरण के अंत में बनने वाला, किसी भी प्रकरण के अंत में बनने वाला, किसी भी प्रकरण के अंत में बनने वाला, किसी भी प्रकरण के अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ ये इसकी परिभाषा, या यूं भी कह सकते हैं हम उन पदार्थों को कहते हैं जिन्हें उपयोग के पश्चात अनुपयोगी मान करके फेंक दिया है। अपशिष्ट उन पदार्थों को कहते हैं अर्थात अपशिष्ट उन अनुपयोगी पदार्थों को कहते हैं जिन्हें प्रयोग के पश्चात अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। अभी हमारे कोई काम के नहीं है, क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट कहलाते हैं। अब अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है, अपशिष्ट के स्रोत क्या है, टाइप ऑफ वेस्टेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, सोर्स ऑफ वेस्टेज, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जैसे अपशिष्ट के बारे में हमने मान लिया कि अपशिष्ट है, इनमें से एक और तो मानव के द्वारा उपयोग में लिए जाने वाली चीज है। मानव उपयोग में लेता है प्रत्येक कार्य, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं ब्रश करते हैं, वहीं से लगा दो ब्रश, उपयोग लेने के पश्चात जब उपयोगी नहीं रहती है, अनुपयोगी हो जाती है, तो वेस्टेज हो गए, ब्रश को फेंकेंगे। पेस्ट की बॉटल खाली हो जाएगी उसे फेंकेंगे, चाय की पत्ती बेकार हो जाएगी बनने के बाद उसे फेंकेंगे, टूटा हुआ कप फेंकेंगे, नहाने के साबुन का कवर फेंकेंगे, उसके बाद ऐसे कपड़े जो पहनने योग्य नहीं है उन्हें फेंकेंगे। तो लगातार हमारा क्रम कहाँ से शुरू हो जाता है, बिस्तर से उठने से लेकर के और लगातार रात्रि को सोने तक हम जो भी चीज उपयोग में लेने के बाद फेंक देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम वेस्टेज के नाम से जानते हैं। तो इनमें एक और मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे कागज है, कपड़ा है, कागज काम में लेते हैं लेकर के कागज के अपशिष्ट हो गया, कपड़ा है, प्लास्टिक है, कांच की बोतलें, दवाई की शीशियां के चलते दवाई काम में लेते हैं लेकिन बोतल को क्या करेंगे हम फेंकेंगे, तो क्या हो गया अपशिष्ट कचरा हो गया। रबड़ आदि चीजें, तो दूसरी तरफ उद्योगों से निकला हुआ तरल पदार्थ और ठोस अपशिष्ट, ये तो मानव के द्वारा निकलने वाली चीज है, लेकिन कुछ चीजें कैसी हैं जो किससे निकल रही है, उद्योग धंधों से, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल जिसमें कचरा मिलकर के आ रहा है, सारा का सारा कचरा मिलकर के उनमें आ रहा है,
तो वो एक तो चीज और थी, सारी तरल पदार्थ उद्योग धंधों से निकलने वाला, एक ठोस भी होता है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए लोहे की फैक्ट्री है, उसमें लोहा घुल करके आ रहा है पानी के साथ। इसके अतिरिक्त खदानों का मलबा, बड़ी बड़ी खाने चल रहे हैं, जैसे मार्बल की खाने हैं, टंगस्टन की खाने हैं, जिप्सम की खाने हैं, तांबे की खाने हैं, इन खानों से निकलने वाला मलबा, कृषि के अवशिष्ट, खेती का कार्य कर रहे हैं, खेती के कार्य में हमने क्या किया है, खेत में से लाभदायक जो अनाज युक्त दाने थे उनको तो इकट्ठा कर लिया, उसके बाद शेष बचा हुआ उसका भूसा है, शेष रह गया है, जैसे बाजरे की फसल में कड़वी आज रह गई, उसे इकट्ठा करके एक जगह पटक दिया, उसमें बरसात हो गई, बदबू आ रही है, सड़कर के अवशिष्ट बन गया है ना, तो इस तरह के कृषि के उत्पाद आदि अवशिष्ट जो खुले में फेंक देने से क्या होता है जानते हो, इससे खुले में यदि हमने इनको फेंक दिया तो इससे हमारा क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, बदबू उत्पन्न हो जाएगी, जब फेंक दिया तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, इसके साथ साथ ही क्या हो जाएगा जानते हो, भू प्रदूषण भी होगा भाई, पर्यावरण में तो वायु में गंध फैल जाएगी तो वायु प्रदूषण हो गया, लेकिन जिस मिट्टी में जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ की मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, ऐसा प्रदूषण भू प्रदूषण कहलाएगा। ये समस्या गाँव की अपेक्षा जब सिटी है ना, नगर उनमें बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी नगर में एंट्री करोगे, किसी भी सिटी में एंट्री करोगे तो उससे पहले ही आपको कचरे के ढेर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कब कि हम किसी न किसी सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, रोड से चलते हुए अगर कहीं कचरे का ढेर दिखाई मिल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, किसी सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। तो ये पहले ही स्वागत कर देता है किसी भी शहर में आने वाले व्यक्ति का, स्वागत कचरे के ढेर के द्वारा ही होता है। तो ये समस्या कहाँ जाता है, गाँव के नगरों में, क्योंकि जनसंख्या के जमाव और उद्योगों के केंद्रीकरण से अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा विकसित देश, इसमें नगरीय अवशिष्ट की मात्रा प्रत्येक साल 4.34 करोड़ टन होती है, कितनी होती है 4.34 करोड़ टन कचरा अमेरिका जैसे विकसित देश में निकलता है। भारत जैसे देश में जहां कूड़ा करकट की निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, इसकी मात्रा कई गुना ज्यादा है, अमेरिका जैसे विकसित देश में 4.34 करोड़ टन निकलता है ना, तो भारत में ये बस समझिए कब निकलता है, उससे कई गुना ज्यादा कचरा निकलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था ही मौजूद नहीं। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिखवाना चाहूँगा कि अवशिष्ट ये तो हो गया, अब अवशिष्ट में भागीदारी है, सहयोग किन किन का है कि एक और मानव द्वारा अवशिष्ट की भूमिका में कौन कौन सा है, यहाँ लिख देंगे एक दो लाइन कि अवशिष्ट में मानव द्वारा उपयोग में लिए गए पदार्थ के पश्चात शेष बचा अवशिष्ट कि अवशिष्ट में मानव द्वारा लिए गए पदार्थों के पश्चात शेष बचा अवशिष्ट अवशिष्ट कराए। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा, अब मानव से निकलने वाले कचरे में तो मैंने आपको बता दिया कपड़ा प्लास्टिक और क्या नाम से कागज रबड़ आदि हो गए। दूसरा क्या आ जाएगा कि उद्योगों से निस्तारित तरल और ठोस अवशेष, और जो भी इकाइयों से निस्तारित तरल एवं ठोस अवशिष्ट, इसके बाद खदानों से निकलने वाला मलबा, खानों से जो निकलता है वो कचरा,
ये पर्यावरण और भू प्रदूषण दोनों कारणों को जन्म देता है। ये पर्यावरण और दोनों कारणों को जन्म देता है। अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही भू प्रदूषण भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित देश में 4.34 करोड़ टन प्रतिवर्ष भारत में क्या है कि कूड़ा करकट की निपटाने की व्यवस्था नहीं होने से मात्रा कई गुना ज्यादा है। भारत में कूड़ा करकट निस्तारण उचित व्यवस्था नहीं होने से यह कई गुना अधिक उत्पन्न होता है। भारत में कचरा कई गुना अधिक उत्पन्न होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रदूषक और प्रदूषण की परिभाषा दूंगा। प्रदूषक तो क्या है और प्रदूषण क्या है, फिर आपको अपशिष्ट के प्रकार बताऊंगा। अपशिष्ट किसी भी प्रकार के अंत में बनने वाला अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है, या उन पदार्थों कहते हैं जिनके लेने पर अनुपयोग मान करके फेंक देते हैं, अपशिष्ट हो गए। अपशिष्ट में मानव द्वारा उपयोग किए गए पदार्थों में 50-50 अपशिष्ट कचरा कहलाता है। औद्योगिक इकाइयों से निस्तारित तरल पदार्थों को अपशिष्ट कहलाते हैं। खदानों से निकलने वाला मल अपशिष्ट कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण साथ भूमि का प्रदूषण भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में 4.34 करोड़ टन अपशिष्ट प्रतिवर्ष निकलता है। एक टन में 1,000 किलो होता है। एक टन में कितना होता है, 1,000 किलो होता है। 4.34 करोड़ टन कचरा तो अमेरिका जैसा विकसित देश में वहां निकलता है। भारत में देश की व्यवस्था कई गुना है। भारत में तो इसे कई गुना ज्यादा कचरा। अब मैं आपको प्रदूषण और फायरस के बारे में सबसे पहले आप देखो प्रदूषण क्या है। बार बार एक शब्द आ रहा है प्रदूषण प्रदूषण। प्रदूषण की परिभाषा लिखिए कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण में देखिए जल वायु और मृदा के जल वायु और मृदा के जलवायु और मृदा के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में भौतिक रासायनिक एवं जैविक
यानी उसका भौतिक संगठन, रासायनिक संगठन और जैविक संगठन तीनों बदल जाते हैं। इसका जलवायु और मृदा का अगर भौतिक संगठन, रासायनिक संगठन और जैविक संगठन बिगड़ गया तो हम क्या समझ लेंगे? प्रदूषित हो गए। और प्रदूषक क्या है दूसरी परिभाषा? प्रदूषक, प्रदूषक से तात्पर्य है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किसी भी प्रकार का प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किसी भी प्रकार के कारक को प्रदूषक कहते हैं। भाई जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है ऐसा फैक्टर क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाता है। एक प्रश्न और आता है कि क्लाइड एस क्या है? क्लाइड एस, एस का मतलब होता है राह। कैसी राह? जो ऊर्जा दी हो। क्लाइड एस क्या कहलाएगी? ऐसी राह जो क्या कर जाती हो? उड़ जाती। तो ब्लाइस के बारे में लिखेंगे हम कि कोयले के जलने से वायुमंडल में मुक्त हुई राह कोयले के जलने से वायुमंडल में मुक्त होने वाली राख या कणिका में प्रदूषण क्या कहलाता है? फ्लाई एस कहलाता है। यहां तक की बात आपकी आ चुकी है। अब आ जाएगा टाइप ऑफ वेस्टेज कि अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। अपशिष्ट के बारे में देखेंगे। मैं आज आपको मात्र दो ही टॉपिक लिखूंगा, अपशिष्ट के प्रकार एक। अब अपशिष्ट के प्रकार में भी दो आ जाएंगे, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, दो चीजें। बस मात्र दो पॉइंटों के साथ आगे बढ़ाऊंगा मैं कि अपशिष्ट के प्रकार। अवशिष्ट के प्रकार में दो पॉइंट है मात्र, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बस इनकी परिभाषा के साथ मैं रोक दूं। जैव निम्नीकरणीय और अजैव। अवशिष्ट के प्रकार पॉइंट में देखिए, अवशिष्ट के प्रकार में मैं बताऊं आपको। अवशिष्ट को इसकी प्रकृति के आधार पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस में बांट सकते हैं इनको प्रकृति के अनुसार। परंतु अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर, अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर अवशिष्ट को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर एक जैव निम्नीकरणीय और नंबर दो अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट। तो यहां पर थोड़ा सा पर लिखना चाहेंगे कि अवशिष्ट को इनकी प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर
बांटन का संसार है। प्रकृति का आधार पर ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर यानी जीवाणु के द्वारा पचाने के आधार पर अपघटनीय क्रियाओं के आधार पर आप इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से? नंबर एक जैव निम्नीकरणीय, नंबर दो अजैव निम्नीकरणीय। सबसे पहले नंबर एक की परिभाषा दे दूं, जैव निम्नीकरण से क्या तात्पर्य होता है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कार्य होता है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कार्य हुआ क्या नहीं किया जा सकता हो, हत्या किया जा सकता हो, अपघटन हो जाता हो, जैसे कचरा पूरी, जैसे क्या क्या घरेलू जैविक कचरा, कृषि के अपशिष्ट, घरेलू जैविक कचरा निकालने में सब्जी होंगे, बचे हुए शेष भाग रोटी फल छिलके आदि, ये हो गया, ये तो घरेलू कचरा हो गया। कृषि के अपशिष्ट में मैंने अभी आपको बताया के अपशिष्ट यानी खेती के काम में आने वाले जो भी वनस्पति या पेड़ पौधे शेष बच जाते हैं उपयोग के पश्चात, ये सब क्या है? कृषि अपशिष्ट है। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में आते हैं कौन कौन से? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में कौन कौन सी चीज आ गई है? रुई पट्टी रक्त मांस के टुकड़े आदि, रुई पट्टी रक्त तथा मांस के टुकड़े, ये सब जीवाणुओं द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। ये चीजें कहलाती कौन सी चीजें? ये कहलाती है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और दूसरा हो गया कौन सा? अजैव निम्नीकरणीय। तो परिभाषा बिल्कुल योग्य क्यों आ जाएगी कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कार्य के द्वारा क्या नहीं जाता हो, अपघटन नहीं किया जाता हो, क्या कहलाती है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन की थैलियां हैं, कांच की बोतलें हैं, सीरिंज है, धातु के टुकड़े। बस आज यहाँ तक इतना ही लिखवाऊंगा मैं आपको। मात्र एक ही चौथी पढ़ी है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कार्य द्वारा आप
अपघटन नहीं होता हो, इसके आगे का बता दिया मैंने ए, और ये पॉइंट बढ़ जाएगा आपका एज हिंदी करनी है, इसको बिल्कुल हटा देता हूँ, इसी परिभाषा को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं कि एज हिंदी करनी व्यक्ति पता चलता जैविक कार्यों के द्वारा अपघटन नहीं होता हो, यहाँ लिख देता हूँ नहीं होता है कहलाते हैं। जैसे हम यहां बदल दूंगा, जैसे कौन सी चीज, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच की बोतलें हैं, सीरिंज है इंजेक्शन की, पॉलिथीन है, कांच की बोतलें हैं, इसके साथ ही सीरिंज, धातु के टुकड़े, आज मैं यहीं आपको रोकना चाहूंगा, कल अवशिष्ट की स्रोत आदि कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।